अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए कैलकुलेटर किस तरह बना सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैट जीपीटी की स्क्रीन मेरे सामने ओपन है। यहाँ पर मैं इसको कमांड दूंगा प्रीवियस जैसा हमने टू डू लिस्ट टाइप में दी थी कि राइट कैलकुलेटर कोड इन HTML CSS इन JavaScript। बस इतनी हमने कमांड देनी है और बाकी काम चैट जीपीटी खुद करना है, शुरू कर देगा। देख सकते हैं लिखना शुरू कर दिया इसने। सबसे पहले HTML का कोड लिख रहा है ये। यहाँ HTML के बाद अब इसने CSS लिखना शुरू कर दिया है। और आखिर में JavaScript का कोड। तो ये देख सकते हैं आप लोग, कोड जो है इसने पूरा लिख दिया है और अब हमारा काम है इसको यहाँ पे कोड को हम सेव करके नोटपैड पे उसको फिर यूज़ करेंगे। जिनको नहीं पता है नोटपैड पे कैसे लिखते हैं, पिछली वीडियो जाकर टूटूलिस्ट ऐप देखने जहाँ मैंने सिखाया है कि नोटपैड में किस तरह से कोड को पेश करना है। तो यहाँ मैंने लिखना शुरू कर दिया नोटपैड में। HTML का कोड मैंने पेश करा सबसे पहले, वही मैंने CSS का कोड पेश करूँगा। स्टाइल का टैग लगा दिया है, स्टाइल का टैग हम CSS का कोड पेश करेंगे। CSS आ गया, अब लास्ट में JavaScript को कॉपी करेंगे। JavaScript को कॉपी करके पेश करने के लिए हमने स्क्रिप्ट का टैग लगाना होगा। तो यहाँ लास्ट में एक स्क्रिप्ट, स्टाइल से पहले हेड के अंदर स्क्रिप्ट का टैग यूज़ कर लेते हैं। स्क्रिप्ट का टैब लगा दिया है और ये कोड हमारा बिल्कुल रेडी हो गया कैलकुलेटर का। बस इसको अब हमने सेव करना है। सेव करेंगे इसको कैलकुलेटर के नाम से, calculator.html, ताकि ब्राउज़र में इसको एक्सेस कर सकें हम लोग। ये हमने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लिया है। सेव होने के बाद अब इसको हम यूज़ करेंगे। ये हमने ओपन कर लिया कैलकुलेटर है। अब चलिए, आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल रेडी है ये। इसमें हम थोड़ा बहुत कुछ फंक्शंस कर लेते हैं, लेकिन आपके सामने है बिल्कुल रेडी है ये ऐप। इस तरीके से चैट जीपीटी को यूज़ करके आप और भी बहुत कुछ बना सकते हैं अपने ज़रूरतों के मुताबिक। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।